क्या आप ईट बेटर स्टार्टअप के बारे में जानते हैं, जिसकी शुरुआत 2020 में शौर्य कनौरिया के द्वारा की गई थी। ये एक तरह का फूड स्टार्टअप है। दरअसल दोस्तों, जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल स्नैक्स है, उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो स्नैक्स हमारे लिए हेल्दी होता है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, और जिसका टेस्ट अच्छा होता है वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होता। आजकल इन स्नैक्स को टेस्टी बनाने के लिए कई प्रिजर्वेटिव को यूज़ करके मार्केट में सेल किया जा रहा है, जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। मार्केट में इंडियन हेल्दी स्नैक्स की इस प्रॉब्लम को देखने के बाद शौर्य सर ने अपनी माँ मृदुला कनौरिया के 25 साल के इंडियन स्नैक्स की हेल्दी रेसिपी के एक्सपीरियंस को यूज करके हेल्दी इंडियन स्नैक्स को बनाकर सेल करने का डिसाइड किया, और फिर साल 2020 में जयपुर से अपने स्टार्टअप ईट बेटर की शुरुआत की, जिसमें इनकी पत्नी विदुषी कनौरिया भी इनकी हेल्प करती हैं, जो कि इस कंपनी की को-फाउंडर भी हैं। ईट बेटर के जो प्रोडक्ट हैं, उनकी कुछ खासियत हैं, जिसमें सबसे पहली ये है कि ये अपने प्रोडक्ट्स को 100% नेचुरल और हाई क्वालिटी का बनाते हैं। दूसरी खासियत यह है कि ये अपने इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव को यूज़ नहीं करते। तीसरी खासियत यह है कि दोस्तों, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो हाई इन प्रोटीन होते हैं, यानी इनके प्रोडक्ट्स में प्रोटीन की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है। चौथी खासियत यह है कि दोस्तों, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो बिल्कुल ही शुगर फ्री होते हैं, इनमें 0% शुगर पाई जाती है। ईट बेटर स्टार्टअप का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकेजिंग और सेलिंग सब इनके इन हाउस यानी इनके घर से ही किया जाता है, जहां पे 100 से भी ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं और जिसमें ज़्यादातर वुमेन्स हैं। ईट बेटर स्टार्टअप की सक्सेस को देखा जाए तो जब से इन्होंने अपने इस बिजनेस को शुरू किया है, तब से लेकर ये हर साल 4% की ग्रोथ रेट से ग्रोथ कर रहे हैं, और फिलहाल हर महीने ये 1 करोड़ से भी ज़्यादा के प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। ईट बेटर अपने प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन मार्केट के साथ साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस और अपनी खुद की वेबसाइट के थ्रू भी सेल करते हैं। अगर आप भी इनके प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं तो इनकी जो ऑफिशियल साइट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार इनके प्रोडक्ट को आप ज़रूर चेकआउट करें। तो दोस्तों, ये ईट बेटर स्टार्टअप की छोटी सी सक्सेस स्टोरी थी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टार्टअप स्टोरी और स्टार्टअप न्यूज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए स्टार्टअप स्टोरी और स्टार्टअप वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।